गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। भगवान निराकार कहां से सारी बात करे, उनके कपड़े बनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सत्र के एक से अधिक हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया स्टार्ट में, आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, दो बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये तीन हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिएगा, वो तीन हैं, तीन का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। तीन अतिथि, अब्राहम ममरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया कि और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने अपने जीव के से को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो गुणात्माओं, इस पवित्र बाइबल ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तकत पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार हैं,
जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हव्वा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं ईसाई धर्म में, ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि तीन भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहां से रहा, ये कहां से लाए ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सद ग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में, आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून में निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता। और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है, वो अंतिम भगवान है, कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है। जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया, अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता। यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसके विषय में कहा है उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को, यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव यह है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ। और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे, 52 नंबर से। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन। अब इसी का इन्होंने, ये तो है अरबी भाषा देवनागरी लिपि में लिख दी, ये है अरबी भाषा उर्दू भाषा में लिखी है,
उर्दू लिपि में ये सारा, और यही भाषा फिर हिंदी में लिख दी इन्होंने, जिस प्रकार ये उर्दू में लिखी है। भाषा ये अरबी है, इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है। देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का शब्द का अर्थ तो होता ही है, अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है, तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना, इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना, जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और इस ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को, तो उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना, ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना, इतनी सी बात है। अब यहां पर जो कबीर शब्द है इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ की और नाम का अंतर है, जो कि तो अक्सर है, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा यह है पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक है आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब, जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहेब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की तुम, सूरत फुरकानी 25, और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर, यहां देखिएगा ये वही जो का तुम, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अरबी भाषा उर्दू में लिखी है और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वीं आयत हमको आपको दिखाते हैं, फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बी ही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं सीधा, कबीर, वो कबीर अल्लाह है। अब यहां से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर
पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। आप देखना ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहां आ गया हम सूरत फुरकानी 25, प्रश्न नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने, एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ यह है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते, इस कबीर इज गॉड, और तू भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। है और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार यानी, देखो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में ए पैगंबर उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्ज कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा इन्होंने ये खबीरा लिख दिया, खबीरा, इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा, इबादत ही कबीरा है, इबादत, इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा, इसको खबीर कहो, कबीर कहो, इबादत ही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य,
वो कबीर परमात्मा है, ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो इसका इन्होंने अर्स जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी बड़ा कहो बहुत कहो घना कहो बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और ज़मीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में उत्पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा। ये लिखना है वो अल्लाह कबीर, 59 में देखिएगा यहाँ अरहमानु असल फसल भी ही ये खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यह लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए हम यहाँ आते हैं 59 पे, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया फिर तकत पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है, वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, वो कबीर बड़ा है, रहमान है, दयालु है, तो उसकी खबर। अब यहाँ स्पष्ट हो गया पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की तकत पर जा विराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से इलम वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम अपुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है, सह शरीर है, और उसका नाम कबीर है, वो साकार है। तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु? ये लोक वेदता दंत कथा थी, शास्त्रों को ना समझकर मन मुखी ये ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे और इस पर आश्रित थे। अब हम आते हैं पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इनमें सबसे श्रेष्ठ पवित्र वेद और पवित्र गीता जी को ही माना जाता है। बाकी जो ज्ञान है पवित्र पुराणों का, ये ज्ञान रला मिला है। कहीं पर तो ब्रह्म ने बोला है और कहीं पर किसी ऋषि का अपना अनुभव पुराणों में लिखा हुआ है, उसका अपना भी विधान है। तो ऐसे जो पवित्र वेदों का ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, वो प्योर, वो कति प्योर है, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर गीता ज्ञान दाता है तो वही, लेकिन इसने इसमें अपना कुछ मत अड़ा दिया है, लेकिन वेदों वाला ज्ञान भी उसमें समावेश किया है।
तो हमने अपने पवित्र वेदों में देखना है कि परमात्मा कैसा है। और आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सभी वो यही कहते हैं कि हम वेदों के जानकार हैं, हमने वेदों को पढ़ा है और वेदों में परमात्मा निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, नर आकार लिखा है, मनुष्य के तुल्य लिखा है और उसको सहशरीर बताया है। अब आपके समक्ष करते हैं कुछ विचार। पुण्यात्मा, अभी तक हमारे कोई ऋषि, नकली ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों ने मूर्ख बना रखा था। ये केवल संस्कृत भाषा को अवश्य जानते थे पर आध्यात्मिक ज्ञान से ये पूर्ण रूप से अपरिचित थे। और कारण क्या रहा कि हम मूर्ख क्यों बने रहे? क्योंकि हम संस्कृत भाषा से अपरिचित रहे। हमारे पूर्वज वो अशिक्षित थे और शिक्षा के ग्रहण करने का अधिकार केवल एक ही वर्ग को था, एक वर्ण को था, ब्राह्मण वर्ण को। अब उन्होंने जैसा भी ज्ञान समझा, वेदों को पढ़ा और उन्होंने वैसा ही अपना अनुभव साथ मिलाकर हमारे पूर्वजों को बता दिया और उन्होंने फाइनल मान लिया कि परमात्मा निराकार है। और इन ब्राह्मणों का यह समझ में आया नहीं, पंडित ऋषियों को वेद वो समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ के? क्योंकि उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिससे ज्ञान जानने को कहा गया है कि उस परमात्मा का ज्ञान वो बता सकता है। ऐसे ही पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवत बोलता है, यानी जन्म लेने वाला कहता, उत्पन्न होने वाला मानता है, साकार कृष्ण और राम जैसे रूप में उदाहरण के लिए, और कोई उसको निराकार बताता है कि वो जन्म लेता ही नहीं। ये परमात्मा साकार है निराकार, ये ज्ञान भी, ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। और फिर ये बताया है कि 10 से लेकर 13 में, 11 12 13 में ये स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया किसी एक भाषा विशेष का तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। आज ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो परमात्मा की दया से इस ज्ञान से परिचित हुआ, और ये दास बताएगा कि विद्वान किसे कहते हैं। विद्वान कबीर परमेश्वर थे, विद्वान परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी थे, जिनको धानक और जुलाहा कह करके, एक कवि कह करके उसकी हिस्ट्री शीट को बंद कर रखा था और उसको रिजेक्ट करके डाल दिया था कि वो तो एक अशिक्षित था। नहीं, वो सब वेदों के ज्ञाता थे, सब सदग्रंथों के ज्ञाता थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता थे, वो तत्वदर्शी संत थे, वो महाविद्वान थे। एक अक्षर ज्ञान के जानने से, एक भाषा विशेष के जानने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। कोई संस्कृत भाषा में विद्वान है तो इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया वो। तो ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा केवल एक अक्षर ज्ञान और ना होने से, एक अक्षर ज्ञान होने से या ना होने से नहीं स्पष्ट होती। अब यहां आपको एक इस कलयुग के नकली महर्षि दयानंद के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ये बहुत गणा प्रचलित, इसकी महिमा बड़ी हो रही थी यहां पर। किसी भी व्यक्ति से इसका नाम जरा सा बता दो और कह दो कि महर्षि दयानंद को ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो आम व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञाता हो सकते हैं लेकिन वेदों के बारे में इसको कह खेगा भी नहीं पता था। अब इसका थोड़ा सा आज फिर विवरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन नकलियों को गहराई से नहीं समझेंगे तो असली को कैसे पहचानेंगे।
अब इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, पुण्यात्माओं जो इस दास को ज्ञान है, पुस्तक बना दी, लिख दी, आप इसको पढ़ोगे तो मेरे ज्ञान का पता चलेगा मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी उस पुस्तक में लिख दिया अपने अंदर का सारा हाल। तो उस पुस्तक को मुझे ही समझो, क्योंकि मैंने अपना सारा ज्ञान उसमें भर दिया। इसी प्रकार ये सत्यार प्रकाश नाम का एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई है। अब ये महर्षि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अंदर की जो भी भावना थी, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में, ये सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक में भर दिया। आज हम इसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना वेदों का ज्ञाता था और कैसा उसका अनुभव था। देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है सत्यार प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर। अकबड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। और इस अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहाँ से छपा है? ये है सत्यार प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संवंत है, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के। आ गए इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी ला दी, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है, और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहाँ से छपी है। अब इसमें आपको सातवें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है सप्तम समोल्लास, यानी सातवां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का के निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता, जब क्योंकि पाप से पाप कर्म से दुख होता है और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा, और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? या स्वयं कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से, और पाप कटते नहीं। पुण्यात्माओं ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है,
155 प्रश्न कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है, फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा। तत्व ज्ञान हीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो, अपना आत्माओं जैसे। एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें। स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा ये है सप्तम समलास चल रहे हैं और 17 प्रकाश है ये, इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा या और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप अक्षमा करता है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्मा परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। अब सामने वाला कहेगा फिर है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा, तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है, क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुटी लाए बैठा है, नकली बोर्ड ला रहा है, जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन
कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सिद्ध है उसने लकड़ी के गुटके दे रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानंद सरस्वती का जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह के भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा अपने हकर कमल से और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा के गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मांगेराम दास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते होंगे? जी सर, सर मैं जो हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत पूजाएं होती थी, देवी मंदिर पर जाना या और अन्य साधनाएं, और एक गुरु भी बना रखे थे सर, जो जिनका नाम संतोष जी महाराज था, जो नागा बाबा थे हरिद्वार के, उनके द्वारा बताई गई वो महामृत्युंजय पाठ का जाप करवाते थे और यज्ञ करते थे, और वो कहते थे कि जो यज्ञ हम करवा रहे हैं इनसे आपके घर में कोई 7 पीढ़ी तक भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो सर उनके द्वारा बताई गई साधना करने से 2009 में मेरी माताजी का करंट लगने से अकाल मृत्यु हो गई, और मैं इसके बारे में उनसे बात करी कि महाराज जी ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने मतलब इधर उधर की बात बताई लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो सर 2009 में संतोष जी महाराज से मतलब मन हट गया मेरा, और फिर देवी देवताओं की भक्ति फिर भी हम करते रहते थे, हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी है वहाँ पर तो पहले से भी जाते रहते थे और फिर भी जाते रहते थे, लेकिन और मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा भी गया हूँ सर, जो बहुत ही कठिन पहाड़ी और दुर्गम रास्ता है लेकिन वहाँ भी गया हूँ मैं, और सर मतलब वहाँ भी जाते जाते मेरा मन फिर भी लगता नहीं था, क्योंकि मैं देखा एक काली मंदिर है देहरादून रोड पर, वहाँ पर जाते हुए एक हमारे यहाँ से एक ट्रॉली जा रही थी नज़दीकी गाँव है, उसमें ट्रॉली पलटने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो मुझे लगता था यार देवी देवताओं पर भी जो जा रहे हैं वहाँ भक्ति कर रहे हैं फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हो तो उनकी रक्षा होनी चाहिए, तो ये जो ऐसी बातें थी मुझे विचलित करती थी। जैसे आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, संतोष जी महाराज की भी भक्ति की, वहाँ से आपका मन हटा तो
दोबारा देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी गए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो संत रामपाल जी महाराज का आपको कैसे पता लगा? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अम्बाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा, तो जब मैं पिछली सीट वहाँ पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पर बैठ गया, तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है 2006 की है, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो थे और वो जेल में चले गए, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उनके आश्रम में पता नहीं क्या चीज़ है और वो क्या करते हैं, और वो ऐसा जो एक बार चला जाए तो वो दोबारा मतलब उनके पास चक्कर काटने लगता है। एक आदमी गया था, उन्होंने एक अपना प्रसाद लेकर के भैंस को खिला दिया और वो भैंस आश्रम के चक्कर काटती रही। तो मैं मतलब बड़ी गहराई से सुन रहा था उनकी बातें, तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है और ये अब तो जेल में चले गए। तो मेरी एक नकारात्मक सोच मतलब उत्पन्न हुई मेरे अंदर कि भाई इसका मतलब कोई संतों पर कोई विश्वास नहीं है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियाँ आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पर मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, नमोनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया, फिर वो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहाँ जा कर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी दो लड़कियाँ थी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों में हुए थे 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की दो बच्चों की और अपने दो बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बनवाई थी, एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको, तो हम लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर सवर्णजीत है सहारनपुर में, वहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ है ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा इन साथ में रखना कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही। तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था तो डॉक्टर सवर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी, और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार हैं अश्विनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनको फ़ोन पे ही बताया कि यार आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, और वो तो ऐसे ऐसे जेल में भी गए थे और उन ऐसे संतों के चक्कर में पड़ते, सत्संग सब बकवास है, ऐसे नहीं कर, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञानगंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन्हीं संतों के चक्कर में आता हूँ। तो
बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पर आया तो वो चार भगत थे लगभग, आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों ने लगभग एक डेढ़ महीना पहले ही नाम लिया था, तो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूँ तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके अपने सासुनी भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज़्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले, जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संतरामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संतरामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य दर्श, और उसका नाम कबीर बताया, और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से ही नाम देख चलूंगा। फिर भी मैं वहाँ उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि उन्होंने मुझे बताया तो मैं ऐसा समझता रहा कि नहीं अभी नहीं कहूँगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहाँ से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फ़ोन किया कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो, कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कबीर प्रकट दिवस पर 11 जून को सत्संग में जाएंगे बरवाला, और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि नाम दीक्षा लेंगे, तो उसने कि आपने घर फ़ोन किया और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो अभी नाम ना लें और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फ़ोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं मैं नहीं लूँगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूँगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूँगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए बरवाला सत्संग गए, बरवाला आश्रम हिसार अश्विनी भगत जी के साथ में। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है, और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान, सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दर्श है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये समझ कर गया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा, सोनी भगत जी ने, कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूँगा उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूँगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर, और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी जो बीमार रहती थी वो निप्पल से दूध पीती थी, तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पर छूट गया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी दूध भी, तो दूध में गिलास में लेकर आया उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही, भंडारे में लेकर भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था,
और वहाँ पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद, वो देसी घी में होता है और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहाँ हलवा प्रसाद बट रहा था वहाँ गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो और उसको खिलाया तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियाँ तो चली रही थी क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे, तो उसने हलवा छक के खाया और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा, सुनी भगत जी को कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना ले करके और सुबह दिखाएंगे और मैं फ़ोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहाँ आकर के, नाम लिखवा दूंगा और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर वो 11 जून 2014 और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर सवनजीत के यहाँ से नहीं ली और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होते लेकिन आज बहुत ज़्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो हैं हार्ट के हैं और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने दो खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊंगा, कब कराऊं कहाँ कराऊं, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे अश्विनी भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा और जब 11 जून 2014 को मैं नाम लिया। और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसका तो पता भी नहीं चला कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए और मेरे यहाँ दो बेटियाँ थी, मुझे इच्छा किसी चीज़ की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परेशानियां थी वो दूर हुई, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर और जो सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि उस गुरु की क्या पहचान होगी, वो कैसे ज्ञान देगा, कैसे बताएगा और क्या लाभ मिलते हैं जो भगवान के, तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर प्राप्त हो रहे हैं भक्तों को और मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत दुखी था और आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल सुखी जीवन जी रहा हूँ। तो मेरी सभी भक्त समाज से प्रार्थना है कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, उनका ज्ञान देखें और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जो आप सत्संग भक्त समाज सत्संग देख रहा है उसमें फ़ोन नंबर दिए हैं और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में उनके ज्ञान का, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का प्रचार हो रहा है और भक्त भी आसपास मिल जाते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करें या और अन्य कोई आसपास जो भक्त मिल जाए उनसे पता करके, और जगह जगह संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं और वहां जा करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आपने बीच में एक कहावत की बात की कि हरियाणा में ऐसी कहावत थी कि भैंस को संत रामपाल जी महाराज का हलवे का प्रसाद खिलाया गया और वो भैंस अपने घर से खूंटा तोड़कर आश्रम में चली गई, तो उस कहावत के पीछे क्या सच्चाई है? सर जो ये कहते हैं ना कि भैंस प्रसाद खाकर आश्रम के चक्कर काटती रही, बिल्कुल बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। और संत रामपाल जी महाराज के हलवे प्रसाद में वो शक्ति है सर कि मेरी बच्ची जो पंडित जी ने कहा था कि 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी और डॉक्टर साहब कहते थे कि 9 साल तक बीमार रहेगी और इसका परहेज रखना है, तो वो हलवा प्रसाद मात्र खाने से और नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेने से, नाम दीक्षा तो सर मैं ली थी, मेरी भगतमती ने ली थी लेकिन वो बच्ची तो बहुत छोटी थी, लेकिन वो हलवा प्रसाद खाने से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके बाद डॉक्टर सवनजीत के यहाँ से एक गोली तक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आज बिल्कुल स्वस्थ है। अभी तो वो 8 वर्ष की भी नहीं हुई है, अभी तो छोटी है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है सर। धन्यवाद सर। सत साहिब।